हेलो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टच कीबोर्ड के बारे में भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर टच कीबोर्ड को कैसे हम यूज़ करेंगे और कैसे इसे ऑन करना है और कौन कौन से लेआउट्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको टास्क बार पर जाने के बाद दोस्तों राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है शो टच कीबोर्ड बटन को। जैसे ही आप इस शो टच कीबोर्ड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन एरिया के अंदर टच कीबोर्ड का सिंबल यानी आइकन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको कई सारे लेआउट मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड आप मोबाइल के अंदर भी यूज करते हैं, आपको मोबाइल के अंदर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट मिलता है। नैरो का दोस्तों हम यहाँ समझ सकते हैं वन हैंडेड, और ये मोबाइल के अंदर भी फीचर इस समय है कि आप वन हैंडेड कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी एक हैंड पे अपना कीबोर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड कीबोर्ड दोस्तों आपके लिए ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आप कोई गेम खेलते समय लेफ्ट और राइट थंब से दोनों एक से एक साथ काम करते हो, तो कुछ कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड थंब पे मिल जाते हैं और कुछ कंट्रोल आपको राइट हैंड थंब पे मिल जाते हैं। और सेम वे में आप हैंड राइटिंग का भी यूज कर सकते हो, और हैंड राइटिंग के जरिए आप ग्राफिक टैबलेट अगर आप यूज कर चुके होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से हैंड राइटिंग की जाती है, तो आप हैंड राइटिंग माउस के थ्रू भी कर सकते हो बट उतना फास्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप हैंड राइटिंग पैनल का यूज करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपका टच कीबोर्ड वर्क करेगा। दोस्तों टच कीबोर्ड से मैं कोई चीज टाइप करूंगा तो मुझे पहले कुछ फाइल वाइल ओपन करनी होगी जहां पर मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा। तो राइट क्लिक करके आपको न्यू पर जाना है और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मैं अगर कोई कंटेंट टाइप करूंगा तो वो कैसे टाइप होगा, मैं इसके लिए आपको टच कीबोर्ड से ही टाइप करके दिखाऊंगा। तो आपको टास्क बार पर जाकर राइट क्लिक करना है और ऑप्शन देखने आपको मिलेगा शो टच कीबोर्ड बटन, आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपको कीबोर्ड का आइकन दिखने लगा, आप इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा जो कि टच कीबोर्ड है, और आप अगर आपका लैपटॉप पे टच स्क्रीन अवेलेबल है तो आप टच करके भी टाइप कर सकते हो, इसका यही सेंस है। तो आप इसे यहां रख लेंगे और आप जिस चीज के थ्रू आप टाइप करना चाहते हैं आप उस चीज को ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है और मैं अपने कीबोर्ड को सामने लेकर के आ रहा हूं और अब मैं यहां कुछ टाइप करना चाहता हूं तो सिंपली मैं टाइप कर सकता हूं। मैं कंप्यूटर को लिखना चाहता हूं तो मैं देख पा रहा हूं मुझे कंप्यूटर मिल चुका है, मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर दोस्तों एक और भी फीचर है, अगर आप इमोजी देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है तो आप इमोजी ला सकते हैं, ये सबसे अच्छा फायदा आपको इसके अंदर मिलता है। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए कीबोर्ड सेटिंग का बटन दे रखा हुआ है, आप यहाँ जाइए, यहाँ आपको कीबोर्ड के अंदर चार लेआउट मिलते हैं और तीन लेआउट आपको हैंड राइटिंग के लिए मिलते हैं। तो आपको मैं एक एक करके सारे लेआउट समझा रहा हूँ। सबसे पहला लेआउट दोस्तों स्टैंडर्ड है और आप इस लेआउट को इस समय देख रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलता है कि सिर्फ आपको अल्फाबेट मिल जाती है और आप यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को देख सकते हो। और अगेन अगर आप कहते हो कि आपको इस कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक है, टैब्स है, शिफ्ट है, ये सारे बटन नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहीं पे स्टैंडर्ड का एक और लेआउट है लास्ट नंबर पे, आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे, आप जब इसको लगाएंगे तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको कीबोर्ड के अंदर ही ASCAP, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल, इमोजीज, ये सारे के सारे भी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप चाहते हो कि आपको वन हैंडेड चाहिए तो आप नैरो लेआउट लगा सकते हैं, सेकेंड नंबर पे आपको नैरो लेआउट मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करिए। अब आप इसको इस वाले हैंड पे रख सकते हैं या फिर इसको आप इस वाले हैंड पे रख सकते हैं जिधर से आप टाइप करना चाहें, या फिर आप इसको मिडल पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये वन हैंडेड आपका लेआउट है जो कि आप मोबाइल के कीबोर्ड की तरह ही यूज कर सकते हैं और सिंपली आप इससे भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे लिख के दिखाना चाहता हूँ इज कंप्यूटर इज, तो मैंने देखा किस तरह से टाइप हो रहा है। वहीं आपको मैं इसके और लेआउट के बारे में बता दूं तो ये तीसरा वाला जो लेआउट है बड़ा ही कमाल का लेआउट है दोस्तों, इसका नाम है एक्सपेंडेड। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड लेआउट को लगाना और कीबोर्ड को नीचे साइड में आपको सेट कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि आपको लेफ्ट वाले थंब से प्रेस करने के लिए, टच करने के लिए एक साइड सारे कीज लेफ्ट साइड में मिल चुकी हैं, और वहीं राइट हैंड साइड के थंब से प्रेस करने के लिए आपको सारे चीज राइट हैंड पे मिल चुकी हैं। और जिस तरह से आप टैबलेट पे टाइप करते हो आपके लिए बहुत ही अच्छा मोड है ये, आप लेफ्ट और राइट थंब का इस्तेमाल करके इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे आप पबजी गेम खेलते हो या फिर फ्री फायर गेम खेलते हो, तो आपके लेफ्ट और राइट थंब पे दोनों साइड कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे अच्छा लेआउट आपके लिए वाला मिल जाएगा टच कीबोर्ड के थ्रू, आप इससे टाइप कर सकते हो। तो ये थे हमारे चार लेआउट जो कि हमने टच कीबोर्ड के अंदर देखे हैं। अब दोस्तों हैंड राइटिंग पैनल की बात कर रहा हूं मैं, हैंड राइटिंग पैनल आपको मिलेगा लास्ट फिफ्थ नंबर पे, आप इस पर क्लिक करिए और सिंपली आपको एक हैंड राइटिंग पैनल मिल जाएगा और इसको आप नीचे साइड में ड्रैग करके छोड़ दीजिए, आपको नीचे पिन हो जाएगा ये। अब आप लिखना चाहते हो कंप्यूटर इज एन, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माउस के जरिए एन,
अब आप देखेंगे वहां पे एन टाइप हो जाएगा, हो चुका है। अब मैं लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको सिंपली इलेक्ट्रॉनिक को टाइप करना है ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखेंगे वहां इलेक्ट्रॉनिक टाइप हो चुका है, बट दोनों के बीच स्पेस नहीं है तो स्पेस मुझे मैनुअली ही लाना पड़ेगा। और दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है और आप उसे इरेज करना चाहो तो आप सिंपली इस तरह से स्ट्राइक चला दीजिए, वो कंटेंट डिलीट भी हो जाएगा। तो ये आपका हैंडराइटिंग पैनल किस तरह से यूज होगा आपने ये समझ लिया है। और आप हैंडराइटिंग के भी यहाँ दो लेआउट है, आप इनमें से कोई सा लगा सकते हैं। दोस्तों आपको फुल विड्थ में आपको हैंडराइटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये टच कीबोर्ड आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। अब मैं आपको इसका एक और यूनिक फीचर बताता हूँ। सपोज दैट आपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड लगा दिया है और आप इसके जो है टच करके टाइप नहीं करना चाहते, आप हैंडराइटिंग से भी टाइप नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप बोल करके लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आप जो भी कुछ बोलेंगे ये उसको टाइप कर सकता है, ठीक वैसे जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो। तो आपको दोस्तों यहाँ कीबोर्ड सेटिंग के ठीक बराबर में माइक का बटन दिख रहा है, आपको माइक्रोफोन ऑन कर लेना है और जो भी आप बोलेंगे वो आपको टाइप कर लेना है। तो मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मुझे क्या करना है, माइक पर क्लिक करना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप देख रहे हैं दोस्तों कितना फास्ट उसने टाइप करके दे दिया। तो ये था हमारा एक ऑसम प्रैक्टिकल, अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसको कैसा यूज करना है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आपको यहाँ फुल स्टॉप चाहिए तो आप उसे कैसे टाइप करेंगे, अगर आपको कॉमा चाहिए तो आप कैसे टाइप करेंगे, और अगर आपको कोई वर्ड डिलीट करना है, रिसेंट वर्ड जो आपने अभी टाइप किया, तो आप कैसे करेंगे। आपको माइक्रोफोन को ऑन कर लेना है, पीरियड, दोस्तों आपको पीरियड बोलना है जिससे फुल स्टॉप टाइप हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉमा लगाना चाहता हूँ, मैं लगा के दिखाता हूँ, यहां मुझे कॉमा चाहिए तो आपको क्या करना है, इसे ऑन करना है और कॉमा बोलना है, कॉमा। ये था दोस्तों कॉमा लगाने का तरीका। अब मैं मान लीजिए डिलीट करना चाहता हूं किसी वर्ड को, तो यहां पे कंप्यूटर लिखा हुआ है दोस्तों और मैं कंप्यूटर को डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे यहां क्या बोलना है, डिलीट दैट। ये था दोस्तों हमारे इस माइक बटन का यूज करने का तरीका। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको टच कीबोर्ड का यूज करना है। मैंने आपको इसके सारे ऑप्शंस एक ही करके समझाए, एक ही करके बताए हैं। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी ऑसम वीडियोस मैं डेली आपको लेकर के आ रहा हूं। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ऐसी ही अगली वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, आपको मैं बताऊंगा उसके अंदर मैं क्या आपको नया ट्रिक देने वाला हूं, क्या कोई नया टिप देने वाला हूं। तो आप बस चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में,